खुद भी रहना चाहिए। आप श्रीलंका में देख लें, पोर्ट्स को कोई जंग की जरूरत नहीं है, पोर्ट टेक ओवर हो गया है। एक 9mm की बुलेट नहीं फायर की चाइना ने, जो कि रशिया लगा रहा है 79 से सोवियत। इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। पास स्ट्रक्चर्स की गेम होती है और ये टाइम आपको बता देगा। मैं तो आपको रीसेंट हिस्ट्री में आप चले जाएं, ऑटोमन एम्पायर आप ले लें, उसके खिलाफ जब वो फ्लरिश कर रहा था, सारों ने एक ऐसी कंस्पिरेसीज बनाई कि आप देखें कि उस कंस्पिरेसी के तहत आज इज़राइल आपकी शक्ल के अंदर नज़र आ गया है। तो ये कंस्पिरेसीज हमेशा चलती हैं और बनती रहती हैं। और जिस तरह जल साहब ने कहा, ये प्रॉक्सी वॉर्स के साथ साथ ये प्रॉक्सी ऐसी अरेंजमेंट्स कर देते हैं सुपर पावर्स के, जो चाइना है, जो इकोनॉमिकली फ्रॉम एन ओपियम एडिक्टेड नेशन into one of the leading superpowers of the world, ये किस तरह आया है? Because उन्होंने अपनी रेजिलियंस दिखाई है, उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई है, और उस डिटर्मिनेशन को ये जो वेस्ट है वो संभाल नहीं सका। बल्कि आज कंज्यूमरिज्म सारी चाइना के अंदर बैठी हुई है। आपका जो मेजर प्रोडक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का या यूरोप का कहीं भी है, वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है जी। वो और इसके साथ जब वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही आगे आ गया है, हम क्या करेंगे? सिर्फ डॉलर ही फाड़ेंगे ना, ये चीजें तो इसके पास पड़ी हुई हैं। सो बेसिकली हमने एक चीज को ऑब्जर्व करना है कि ये जो इस तरह के टेंट्रम्स होते हैं, ये पॉलिटिकल टेंट्रम्स होते हैं पास स्ट्रक्चर्स को। आज बाइडन को आज ये ख्याल आ गया ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का, ये पहले क्यों नहीं आया? ये थोड़े थोड़े शोषे निकालते हैं और उन शोषों को फिर बड़ा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, और उस पर आप खेलते हैं। ठीक है डॉक्टर नाजिर साहब जी, इसके दो नतायज निकल सकते हैं। अगर तो ये फौजी तसादुम की तरफ ना जाएं तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि, देखिए चीन ने कभी पिछले 70 साल में किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। एक छोटी सी जंग हुई थी वियतनाम में, उसके अलावा जिस तरह से अमेरिका ने जंगें की हैं, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत की है, ऐसे अजायम चीन के नहीं रहे। उसने अपने आप को माशी तौर पर मुस्तहकम किया है। अब जो सरमायेदार ममालिक हैं 7 G7 के जो थे, इनकी बुनियाद दो चीज़ों पर है। ये अपना असला मुसलसल बेचना चाहते हैं। पहले इन्होंने सोवियत यूनियन का हवा खड़ा किया, उसके बाद फिर ये वॉर ऑन टेरर का जो भी था मसला वो क्रिएट किया। अब जो है वो ये चीन को मसला बना रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये मजीद हथियार बेचना चाहते हैं। अगर तो ये जंगी तसादुम की तरफ ना जाएं तो इसका ये फायदा छोटे मुल्कों को होगा कि ये लोग फिर नया प्लान लेकर आए और जितने चीन पैसे दे रहा है उतने पैसे भाई दे दें आप भी। ठीक है अतर काजमी साहब, देखिए जितने भी लोगों ने यहाँ पे जो भी बातें की, मैं उस सब से मुत्तफिक हूँ। सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहूंगा कि इसी नेटो के इजलास में एक और चीज भी डिस्कस हुई है कि काबुल के एयरपोर्ट को किस तरह सिक्योर किया जाए। तो वो नेटो इतिहाद जो 20 साल के अंदर पूरे अफगानिस्तान को नहीं, अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल को भी नहीं, सिर्फ एक एयरपोर्ट को भी सिक्योर नहीं कर सका, और अब ये बातें हो रही हैं कि तुर्की उसकी सिक्योरिटी संभाले। तो उस नेटो इतिहाद की जानिब से चीन को धमकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीन उससे जो है कोई रोब में आएगा या इनकी कोई ज्यादा इनको खातिर में लेके आएगा। ठीक है मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई कॉमेंट कीजिएगा, मुझे क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है। जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम सारी ठीक है, चाइना ने ये किया वो किया, लेकिन याद रखें आपको कॉशियस खुद भी रहना चाहिए। आप श्रीलंका में देख लें, पोर्ट्स को कोई जंग की जरूरत नहीं है, पोर्ट टेक ओवर हो गया है। एक 9mm की बुलेट नहीं फायर की चाइना ने, जो कि रशिया लगा रहा है 79 से सोवियट्स के आके आपको इधर आई टू टूर्स वार्म वाटर्स लेनिन्स ड्रीम। एक 9mm बुलेट फायर नहीं हुई है गवादर पे आगे। हमने भी अपने जो केसेस है ना, अपने जो हमारी सिचुएशन है, इसको भी रीअसेस करना है। ये दोस्ती कोई नहीं होती है, इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी हम क्या जरूरत है, माने अमेरिका नहीं कर रहा है, वेस्ट नहीं कर रही है, नेटो नहीं कर रही है, और आप कह रहे मैं करना, हम करना चाहते हैं। क्यों? कि आप उनको खुश करना चाहते हैं, नेटो को? अफसोस से कहना पड़ता है। दूसरी बात, क्या डिक्लेरेशन जो हुआ है G7 का, नेटो का, उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस, वेपन्स चीन के, साइबर स्पेस, साइबर आर्म्स चाइना के, और स्पेस का जो तैयारी हो रही है उसको इस्तेमाल करने के लिए दुनिया के खिलाफ, ये एक मेजर थ्रेट है। माय गॉड,
वो मेजर थ्रेट है। 800 बिलियन डॉलर अमेरिका खर्च करता है हर साल साइबर स्पेस, साइबर क्राइम पे, साइबर टेक्नोलॉजी पे, स्पेस को वेपनाइज करने और अपने हथियारों को 800 बिलियन। और चीन कितना खर्चता है? 250 बिलियन। 250 बिलियन एक चौथा हिस्सा समझिए, और 850 मिलियन। क्या आप समझते हैं ये इट मेक सेंस ऐसी मुनाफकत? मगर कोई हमारा दोस्त तुर्की ने कुछ नहीं किया, एसोसिएट हो गया नेटो एंड नेटो के कम्युनिके के साथ। और G7 में दो बड़े मसले मुसलमानों के, एक जिक्र ही नहीं है उनके ऊपर। अब आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मगर खुश हम क्यों होने चाहिए? हमें खुश इसलिए चाहिए कि हमारे पास, माफ़ करिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं वो, और इसको देखने की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि ये तो ये कह रहे हैं, यूरोप ने ये कहा है कि G7 ने भी कहा है कि जो चाइना है वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, सिस्टेमिक चैलेंज की बात कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। भारत को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा व्हाट एवर दिस ग्लोबल सिचुएशन इज इमर्जिंग, बिकॉज चाइना इज जस्ट ऑन द बॉर्डर, चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर आपस में इशूज हैं, तो वो जो एक ग्लोबल आउटरीच या ग्लोबल एक एनवायरमेंट चाइना के बारे में बनेगा उसको ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बड़ा फायदा है। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आगे जाऊं कि G7 और नेटो के जो क्या हुआ और इसका इंडिया को पे कैसे इंपैक्ट होगा, मैं बताना चाहता हूं आपको कि इनकी ट्रेड कितनी है। अगर आप EU की और चाइना की ट्रेड देखें तो आपको पता ये चलेगा कि जो चाइना है वो चाइना और EU की जो डेली की ट्रेड है दैट इज अबाउट 1 बिलियन यूरो अ डे, चाइना एंड यूरोप 1 बिलियन यूरो अ डे। और जो चाइना जो है वो सबसे बड़ा, वो जो अपनी इम्पोर्ट्स हैं उसकी चाइना से आती हैं, उसकी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टर है वो, और ऑब्वियसली चाइना की जो सेकंड बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है वो यूरोप है। लेकिन अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका ये समझता है कि चाइना तकरीबन 14-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और अगर आप उसमें देखें तो जो बायलैटरल इनकी ऑलमोस्ट ट्रेड है दैट इज अबाउट 650 बिलियन US डॉलर्स, और जिसमें जो अमेरिका की एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को दे आर अबाउट 170 बिलियन डॉलर के करीब हैं, एंड द इंपोर्ट्स जो अमेरिका की हैं दे आर अबाउट 480 बिलियन डॉलर इंपोर्ट्स हैं। सो जो ट्रेड बैलेंस है डेफिसिट ऑफ दैट इज मोर देन 300 US डॉलर्स का चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस है। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है यहाँ पर, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस समय हंगामा मचा हुआ है G7 समिट जो कि UK में हुआ था उसके बाद से। आपको बता दें G7 समिट में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, ये हालांकि इंडिया जी समिट का आपको पता है ऑफिशियल मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को इनवाइट किया गया था। इंडिया के अलावा जापान और साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया गया था। दोस्तों G7 समिट है जो वो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर अमेरिका लीड करता है, और G7 समिट में इंडिया को मतलब शामिल करने का जो प्रयास है वो लगभग कंप्लीट दिख रहा है, और D10 से जाना जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। तो दोस्तों G7 समिट में बेसिकली पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि ये टोटली चाइना के खिलाफ हुआ है, और ये चाइना को काउंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। जो यूरोपियन यूनियन के एक नेटो फोर्स है, आपने देखा होगा नेटो में US भी है और बहुत सारे देश हैं, टर्की भी है। टर्की को लेकर भी पाकिस्तान अब एग्रेसिव हो गया है। जफर हिलाली यहाँ तक की बात कर रहे हैं कि टर्की ने उन्हें धोखा दे दिया। यहाँ पर जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखी होगी PJ मीर की, उसमें वो बोल रहे हैं कि चाइना ने एक गोली चलाए बिना श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट है 99 ईयर्स पर लीज पर ले लिया है, और श्रीलंका लोन नहीं चुका पाया, तो वैसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। गाइज ये पहली बार किसी पाकिस्तानी ने इतनी सेंसिबल बात की है चाइना को लेकर, मैंने नहीं सुना चाइना को लेकर इस तरीके की बातें होती हैं। तो पाकिस्तान अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी, तो डेफिनेटली अब उनको डर लग रहा है चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ना हो जाए, और कुछ ज़मीन के टुकड़े पाकिस्तान को चाइना को बहुत लंबे समय तक लोन पर देने पड़ जाएं, मतलब लोन के बदले लीज़ पर देने पड़ जाएं, और वो
हमेशा चाइना ही इस्तेमाल करे। जैसे गवादर पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है, मैं वहाँ का आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी हैं उसमें या तो चाइनीज़ भाषा लिखी है या तो इंग्लिश भाषा लिखी है, उर्दू नहीं लिखी है। आप समझ रहे हो, ये छोटी मोटा साइन नहीं है, ये बहुत बड़ा साइन है। यानी चाइनीज़ क्या ये मानकर चल रहे हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान एबल नहीं है लोन चुकाने को, और ये पैसा डूबना ही डूबना है, तो हम इसके बदले ये हमने जो बॉन्ड या डॉक्यूमेंट साइन कराए हैं हम ज़मीन लेंगे और ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे। अब श्रीलंका तो एक बहुत वीक कंट्री है, आपको भी पता है ना, इनके पास कुछ है रिसोर्सेस, लेकिन पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका इतनी वीक भी नहीं है, लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी आपको पता है। तो अब देखते हैं होता क्या है आने वाले समय में। इसलिए पाकिस्तान का ये जो पीजे मीर है ये बोल रहा है कि हमें अमेरिका को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सीपैक से बड़ा प्रोजेक्ट अमेरिका ने इस जी समिट मीटिंग में लॉन्च कर दिया, और अगर पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन वो चाइना की जो ग्रिप में फंसा हुआ है वो कैसे निकले। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।